हेलो एवरीवन देखिए हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट को डिस्कस किया था कि हाउ टू तो फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन ओके और लिमिट किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं और एट लिमिट एट इन्फिनी क्या होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उनसे रिलेटेड तो कुछ रिजल्ट्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ओके okay, आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व लिमिट्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तो जैसे मैंने बहुत सारी आपको डेफिनेशन भी बताई थी दो तीन डेफिनेशन बताई थी मैंने लिमिट फाइंड करने की उनमें से एक डेफिनेशन पे बेस्ड हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्या है कि फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिटी एक्स स्क्स आई सिगरम फंक्शन ऑफ कॉस एक्स और यहाँ पर हमने ये एक होल ब्रैकेट लगाया हुआ है ठीक है इसके लिए क्या करते हैं हम तो सबसे पहले एक

ओके okay, लेकिन जब हम इसको पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर पुट किया है ये देखो अगर टू तो ये माइनस को करेगा ठीक है लेकिन जब हम देखो यहां से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको ये देखो क्योंकि हमारे पास ऑर्ड मल्टीपल ऑफ कॉस एंड पाई की वैल्यू ऑर्ड मल्टीपल हो रहे मल्टीपल ऑफ पाई तो ये माइनस माइनस वन आएगा इस वजह से ये एक्स एंड डैश जो सीक्वेंस है जब हम इसे फंक्शन में पुट करेंगे

जब हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर एक्स की जगह पर तो हमें मिलता है है ठीक क्योंकि एन पाई करेंगे the graph of the, इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ग्राफ इसका ऐसे चलता जाएगा लेकिन जब हम जीरो के बिल्कुल जीरो के नजदीक आएंगे ना जब जीरो के नेबरहुड में पहुंचेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे

ग्राफ्स के थ्रू देखना चाहें तो ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक्स की तरफ प्रोटेंड कर रहे हैं हमारा जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी टाइम्स जो है ऑसिलेट कर रहा है ठीक है तो हम यहाँ पर सिंपल इतनी बात कह सकते हैं कि जैसे हम जीरो तक को मतलब चल रहे हैं तो ग्राफ हमारा पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जा हो पर माइनस से प्लस के बीच में ठीक है तो इनफाइनाइट मैनी टाइम्स ही ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन माइनस टू एन तो इसका मतलब ये हो जाए वैन एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस वन एंड माइनस वन क्योंकि एक नंबर तो मिल रहा कोई कभी प्लस वन मिल रहा है जब जीरो कर रहे हैं तो अगर unique, नहीं मिल रहा यूनिक नंबर नहीं मिल रहा मतलब है ठीक है ये तो एक ग्राफिकल मैथड था देखने का लेकिन अगर आप इसको वेरी सिंपल देखना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट लेफ्टिम से तो भी देख सकते हैं एफ एक्स एक्स टू फ्रॉपिटिव साइड यहाँ पर हमें लिख दिया

ओके okay. सिमिलरली हम यहां पर लिमिट एक्स एक्सटेंस टू जीरो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोनों तरह से चाहे तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करके देख लें या फिर हम इसके ग्राफिकल ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद देख लें दोनों ही तरह से लिमिट इसकी एक्जिस्ट नहीं करती है ओके okay.

से पहले हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करी मतलब लिमिट एक्सटें टू जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट एक्सटेंज टू जीरो आ गया इन ओके पावर इनफिनिटी हो जाए जीरो जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो इसी में जीरो माइनस एच होने की वजह से पावर माइनस के वन अपन एच तो जीरो आ जाएगा क्योंकि लिख सकते हैं जीरो जाएगा ठीक है एक साइड से इन्फिनिटी आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट ओके अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड बाई सम अदर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स वैन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वी कैन सी वैन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी वी कैन सी और वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ फॉर ई टू दावन अपॉन एक्स एज यू कैन सी हेयर वैन एक्सटेंडिंग एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी Okay, then the when x tend to plus infinity you can see the graph is of the function is graph of the function it means f of x tending to one. Okay, similarly when x and to minus infinity, xn to minus infinity graph of the function tending to plus one. So this is the one we we draw the line dotted line here as you can see this is a line of one okay or y equal to one or fx equal to one.

एंड इफ यू हैव एनी एंड एनी क्वेश्चन सो आप कमेंट से जरूर लिखें एंड इफ यू लाइक द्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें ओके होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको ओके थैंक यू अगेन अभी हम नेक्स्ट uh, लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं ओके उससे रिलेटेड और कुछ रिजल्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे और पूरा सिलेबस जो भी सी एस आई एन एड जी का है वो मैं कवर करूँगा यहाँ पर रे एनालिसिस के रे एनलाइस रिलेटेड उसके बाद डिफरेंट जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं लीनियर एलजैब्रा एब्सट्रैक्ट एलजैब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इंट्रिकल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे ओके 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 गाइज थैंक यू अगेन